शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाओ सखी, खिलाओ मुझे अपना प्रिय माखन मिश्री। अभी नहीं, रात 12 बजे के बाद, क्योंकि ये भोग आपके जन्मोत्सव का भोग है, इसीलिए आपको जन्मदिवस पर ही मिलेगा। मैया भी बिल्कुल यही करती थी मेरे साथ, सुबह से माखन मिश्री बनाकर आधी रात तक प्रतीक्षा करवाती थी, पर मैं ना मैया की सुनता था और ना ही तुम्हारी सुनूंगा तुलसी। तुमने न्योता दिया है तो ये भोग तो मैं अभी लगाऊंगा। हम अच्छे से समझते हैं आपके मन में क्या चल रहा है, पर आप ही कहते हैं हर घटना का समय निर्धारित होता है, तो आपके माखन मिश्री खाने का समय भी निर्धारित है, रात 12 बजे के बाद। मैया भी यही कहती थी, पर मैं भी काना हूँ, आधी रात तक तो पूरे वृंदावन की माखन मिश्री चख कर जाता था, तो फिर ये माखन मिश्री कैसे बचेगी? हम अच्छे से जानते हैं आप माखन चोर हैं, पर हम भी आपके परम भक्त हैं। रात 12 बजे तक की प्रतीक्षा तो आपको करनी होगी, और वैसे भी इंतजार का फल मीठा होता है। तुलसी, भक्त के वश में होते हैं भगवान, पर माखन मिश्री के आगे तो मैं भी विवश हो जाता हूँ। समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रतीक्षा करूँ आधी रात तक, पर प्रतीक्षा के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे मिट्टू गोपाल साक्षात आए थे? पापा बिल्कुल सही कहते, माखन मिश्री का भोग लगाने लड्डू गोपाल जरूर आते हैं। पर सॉरी लड्डू गोपाल, हमारे सखा, पर माखन मिश्री का भोग तो आपको जन्माष्टमी पर ही मिलेगा। ठीक है सखी, जैसी तुम्हारी इच्छा। कम से कम आज के दिन तो ऐसे गाने मत बजाओ, आज जन्माष्टमी है। पर भाभी जी, रंग और रास तो भगवान श्री कृष्ण को भी पसंद है। घर में इतनी टेंशन चल रही है, तुम्हें तो किसी की चिंता ही नहीं है। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं है। वो मम्मी जी का व्रत पकोड़े से टूटते देखा ना, तो मुझे आपकी बहुत चिंता हो गई थी, क्योंकि अंगद भैया भी बाबू जी के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं ना, कहीं आगे चलकर उन्होंने आपके साथ, मेरा मतलब है उन्होंने आपके सपनों पर नमक फेर दिया तो। किसी दिन तुम्हारे मन का जहर पीते पीते ना मैं महादेव ना बन जाऊं। पकड़ो इसे, आज जन्माष्टमी है तो तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आई थी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ढंग की साड़ी तो होगी नहीं, इसलिए पहन लेना। ठीक है, ऐसी साड़ी तो घर की नौकरानी भी ना पहने, ये है ना मेरी खूबसूरती से जलती है, पर मैंने भी इसे घर की बाई ना बनाया ना तो मेरा भी नाम फाल्गुनी नहीं। क्या हुआ आपको? आप बैठिए काकी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है, क्या हुआ? मेरे बच्चे को बचा लो तुलसी, मेरे बच्चे को बचा लो। आप क्या कह रही हैं, हम कुछ समझे नहीं। तुम्हें मेरी आखिरी आस तुलसी, आपके बेटे को क्या हुआ है? मेरे बेटे के पास समय नहीं है, वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। आप इसे हमारे पास क्यों लेकर आई है, इसे तो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। आप चलिए हमारे साथ। अभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया तुलसी, आपके बेटे की बीमारी का कोई इलाज नहीं, अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है आपके बेटे को। फिर काकी, ये तो कितना स्वस्थ लग रहा है,
इसे देखकर लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना। डॉक्टरों ने कहा है इसका दिल इसके शरीर का साथ नहीं दे रहा। इसकी धड़कन धीरे धीरे बंद हो रही है और ज्यादा से ज्यादा आज रात तक का समय है इसके पास। छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। आप हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं आपकी मदद के लिए। बोली, मुझे एक लड्डू गोपाल के भक्त ने बताया है कि आप पर लड्डू गोपाल जी की बहुत कृपा है, अगर आप उनसे विनती करेंगी तो वो मेरे बेटे की जिंदगी जरूर बचा लेंगे। तुम मेरी आखिरी आस हो तुलसी। आज जन्माष्टमी है, हर कोई कृष्ण जी का जन्मदिन मनाएगा और मैं अभागन अपने बच्चे का जीवन खत्म होने का इंतजार कर। आप इतने विश्वास से आइए हैं, आप देखिएगा लड्डू गोपाल आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। संसार में जब कोई आप पर विश्वास करे तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। आपको ईश्वर ने इसीलिए चुना है कि आप लोगों की भलाई कर सके, उनके दुखों को दूर कर सके। अब देखना ये है कि तुलसी इस माता का दुख कैसे दूर करती है। आज सखी तुलसी के विश्वास और उसकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। आज जन्माष्टमी है, हमारे लड्डू गोपाल का जन्मदिवस, और आज के दिन हमारे लड्डू गोपाल अपने हर भक्त पर कृपा करते हैं, और हमें पूरा विश्वास है आज वो इस बेटी पर भी अपनी कृपा जरूर करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। आज पहली बार किसी ने बोला है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, ये हमने नहीं लड्डू गोपाल ने कहा है कि जब जब उनके भक्त उन्हें सच्चे विश्वास से पुकारते हैं तो वो उनकी मदद करने जरूर आते हैं। हे लड्डू गोपाल, हम इस बच्चे की नियति नहीं जानते, हमें नहीं पता कि इसके भाग्य में क्या लिखा है, पर बस हम इतना जानते हैं कि आज आपके इस जन्मोत्सव के दिन इस बच्चे को एक नया जीवन जरूर मिलेगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? गोपाला गोपाला, जन्माष्टमी की सारी तैयारियां छोड़ के आप लोग मेरे घर में क्या ताका झाकी कर रहे हैं? बहन, हमें लगता है कि हम जन्माष्टमी का त्योहार मना पाएंगे कि नहीं। गोपाला गोपाला, शुभ शुभ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं सुमित्रा बहन, जब जन्माष्टमी के मौके पे अब एक बच्चे की जान जाएगी तो हमें भी पाप तो लगेगा ना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सभी? हम सच कह रहे हैं, आपको लगता है तो तुलसी बिटिया से पूछ लीजिए। काकी, बत्तों में ईश्वरी कृपा होती है, आप अपने बेटे को ये तुलसी मिला हुआ पानी पिला दीजिए, उसे जरूर आराम होगा। मैं तुलसी से बात करती हूँ। तुलसी, 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 मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम चलो मेरे साथ। हाँ माँ। तुलसी, लोग बाहर तरह तरह की बातें बना रहे हैं, जिस बच्चे को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है तुम उस बच्चे को अपने घर पे क्यों रखा है? क्योंकि मातेश्री, जहाँ दवा काम नहीं करती ना, वहाँ दुआ काम करती है। बेटा, जिसका जाने का समय पूरा हो गया हो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई उस बच्चे के साथ तो लोग तुम्हें और तुम्हारे बाबा को ही दोषी मानेंगे ना। इन्हीं लोगों के तानों की वजह से तुम्हारे बाबा ने एक बार गोरबा गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया था। अब मैं नहीं चाहती कि उनके मन में वापस ये विचार आए। हम समझ गए कि आपके भीतर से ये कौन लोग बोल रहे हैं। अब हम आपसे नहीं, सीधा उन लोगों से बात करेंगे। तुलसी,
कान फेरते फेरते लोगों का मन भी फेरने लग गया। नहीं तुलसी बिटिया, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि कहीं उस बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई इस घर में, तो कोई यहाँ कथा सुनने नहीं आएगा। हाँ। जिस किसी को भी रात को जन्माष्टमी की कथा सुनने आना है आए, नहीं आना हो ना आए। पर एक बात समझ लीजिए, लड्डू गोपाल कहते हैं कि किसी की जान बचाने से बड़ा पुण्य और कुछ नहीं। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शेमारू टीवी पर।